सबसे पहले बात करते हैं नंबर गेम की। 24 के 64 में जो चालें चली गई हैं उसके बदले किसके पाले में कितने वोट गिरे, कितनी सीटों पर अब तक कौन बढ़त बना रहा है, इसको लेकर हर किसी के जहन में बहुत से सवाल तैर रहे हैं। कुल पूरे 5 चरण अब तक हो चुके हैं वोटिंग के, 428 सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है देश का, और इन 5 चरणों में नंबर गेम कौन जीत रहा है, बीजेपी मिशन 400 पार के कितने करीब पहुंची है, क्योंकि हर दल अभी से अपनी अपनी जीत के दावे ठोकता दिख रहा है, लेकिन किसके कैलकुलेशन में दम है और किसके नंबर कम है, यह समझने के लिए हमें यह रिपोर्ट देखनी होगी। चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। चार सौ 28 सीट, 5 चरण, कौन जीत रहा, 24 कारण। एक 115 सीटों की आखिरी लड़ाई, किसका जोश कितना हाई, क्या कहता है 5 चरण का विश्लेषण। और जो गुस्सा जनता का देखा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो गुस्सा हमें दिखाई दिया पहले चरण में, वो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, और 7वां चरण जब आएगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। चौबीस की सियासी चौसर का खेल निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 5 चरण की वोटिंग और नेताओं के दाव के बीच सीटों का गुणा गणित समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर अब तक मतदान क्या इशारा कर रहा है। 5 चरणों की वोटिंग में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है और बाकी के 2 चरणों के प्रचार में किसके आंकड़ों में दम दिख रहा है। बंगाल में टीएमसी और पूरे देश में इंडी गठबंधन, ये पहले पस्त थे, 5वें चरण में ये परास्त हो चुके हैं और 4 जून को ये समाप्त होते दिखाई देंगे। इंडी गठबंधन के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में आपका आशीर्वाद ये साफ साफ कह रहा है, फिर एक बार आभार। अब तक देश के 28 में से 20 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 में मतदान हो चुका है। देश की 428 यानी 79% सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अगले 2 चरणों में 115 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब इन 2 चरणों के चुनाव के लिए सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है, जनता का भरोसा जीतने के लिए सीटों के आंकड़ों का दावा कर रही है। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं, अब 6ठा और 7वां 400 पार का है, आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। हालांकि जीत वाले चुनावी दावे सिर्फ सत्ता पक्ष के नहीं हैं। 5 चरण के बाद अब इंडिया गठबंधन के नेता भी आंकड़ों में जीत का हिसाब बता रहे हैं।
4 जून के नतीजों में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। नेताओं के इन बयानों और दावों के बीच बता दें कि अब तक लोकसभा की जिन 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है 2019 में, उसमें से 238 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बात अगर एनडीए की करें तो उसे 275 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस 44, यूपीए 85, जबकि 68 सीटों पर अन्य पार्टियां विजय रही थी। देखिए 2014 और 2019 इन दो चुनावों से ये बिल्कुल इतर चुनाव है, तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि इस बार बड़ा कांटे की लड़ाई है। अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है, तो कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है। जो 5 चरण हो चुके हैं उसमें कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी वो चाहे एक कम हो रही हो, लेकिन हर चरण में जो मैंने वहाँ के लोगों से जानकारी की बात, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं। अगले दो चरणों की लड़ाई 115 सीटों की है, और चुनावी समर में ये दो चरण बेहद अहम हैं, क्योंकि इसमें से 65 सीटें बीजेपी जबकि 77 सीटें एनडीए के पास है। कांग्रेस के खाते में 8, यूपीए के पास 9 और अन्य पार्टियों के पास 29 सीटें हैं। निश्चित रूप से 5 चरण हो गए हैं और अब 115 सीटों पर मतदान होना है, और ये अधिकांश जो हैं वो पूर्वांचल की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की 19 में टैली थी उसमें कमी नज़र आ रही है, दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, तो परिणाम बड़े अजीबो गरीब हो सकते हैं। मतलब सीधा ये है कि वहाँ कमंडल काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कमंडल फिर एक बार विपक्ष के लिए एक उभर के आया है। 25 मई को 6 चरण की वोटिंग होगी, जबकि 1 जून को 7 चरण की। इस बीच चुनाव प्रचार में जीत के दावों का शोर तेज होगा, विरोधियों पर हमला और भी तीखा होगा, क्योंकि ये 24 की चौसर में चली जाने वाली आखिरी दो चाले हैं, जो अगले 5 साल तक सत्ता का स्वाद बनाए रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब 5 चरण में सबका अपना अपना आकलन है। कोई नहीं 5 चरण में बढ़त बता रहा है तो कोई जीत का दावा कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह तो 5वें चरण में ही 310 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे संभव होगा और 400 पार वाले कैलकुलेशन से 310 सीटों वाले दावे का आखिर लिंक क्या है, अब वो आपको बताते हैं। बीजेपी ने 400 पार का टारगेट रखा है। कुल 543 सीटों में 400 सीटें जीतने के लिए जीत का स्ट्राइक रेट 73.66% का चाहिए, और अगर बीजेपी 73% प्लस का स्ट्राइक रेट 5 चरण में पकड़ चुकी है तो इस कैलकुलेशन से 5 चरणों की 428 सीटों में 315 सीट बीजेपी जीत लेगी। शायद इसी कैलकुलेशन के दम पर गृहमंत्री अमित शाह ने 5 चरण में 310 पार का दावा किया होगा। चुनाव में 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 2019 में इन्हीं सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 238 और एनडीए ने 275 सीटें हासिल कर ली थी, लेकिन 2019 के स्ट्राइक रेट से 400 पार का सपना पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। 400 पार के सपने के लिए 73% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट चाहिए। अगर 73% का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर लिया है तो मान के चलिए 315 सीटें ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी के लिए रिजर्व हो चुकी हैं। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज 18, लखनऊ। अब 400 पार का नारा कोई सपना नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ हुई कैलकुलेशन की ये उपज है। सदी हुई कैलकुलेशन बीजेपी की, वही कैलकुलेशन जिसमें 73% से अधिक जीत का स्ट्राइक रेट रखना ही है, लेकिन जिन 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, अगर उन्हीं सीटों पर 2019 के रिकॉर्ड को देखें तो एनडीए 275 जबकि बीजेपी 238 पर थी, लेकिन 2024 में अगर 73% स्ट्राइक रेट वाला फॉर्मूले को अप्लाई करें तो बीजेपी को बचे हुए दो चरण में 400 पार के आंकड़े को पाने के लिए
85 सीट्स की जरूरत है। फिलहाल कुल 115 सीटें वोटिंग के लिए बची हैं।